हाय गाइस, आई एम सुरुचि जैन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बेकरी केकरी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं वीगन पनीर टिक्का ऑन गैस। वीडियो को पूरा देखिए ताकि बीच बीच में मैं जो टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूं वो आपके काम आ सके। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये इतना टेस्टी बनता है आप बनाए बगैर रह नहीं पाएंगे और आपके बच्चे भी बिलीव नहीं करेंगे कि ये तोफू से बना हुआ है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, क्वांटिटी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दी है, वहाँ जाकर आप चेक कर लीजिएगा। इसे बनाने के लिए आपको चाहिए एक बोल में टोफू, कैप्सिकम एंड ऑनियन। फिर उसमें ऐड करिए भुना हुआ जीरा पाउडर, गरम मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च, तीखी लाल मिर्च, अमचूर पाउडर, काली मिर्च, काला नमक, सफ़ेद नमक, ड्राई जिंजर एंड गार्लिक पाउडर। आप जिंजर एंड गार्लिक को इक्वल रेशो में लेकर पेस्ट भी बनाकर डाल सकते हैं। मेरे पास पाउडर अवेलेबल था तो मैंने वो डाल दिया। उसके बाद डालिए बेसन एंड कर्ड। इस सारे मिक्सचर को हल्के हाथों से मिक्स करिए। फिर उसके ऊपर मस्टर्ड ऑयल को गर्म करके उसे छोड़ दीजिए और फिर अच्छे से सारा मिक्सचर हल्के हाथों से बना लीजिए। बेसन डालने से इस मैरिनेशन में थिकनेस आ जाती है, तो थोड़ा थोड़ा वाटर स्प्रे करिए बीच में और इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लीजिए। मुझे कलर और सॉल्ट कम लग रहा था तो मैंने कश्मीरी लाल मिर्च और सॉल्ट को थोड़ा सा और डाल दिया, क्योंकि मैं रॉक सॉल्ट यूज़ करती हूँ तो वो थोड़ा ज़्यादा जाता है। अब गाइस, इस पॉइंट पर मुझे फील हो रहा था कि मुझे मैरिनेशन पहले बना लेना चाहिए था, फिर कैप्सिकम ऑनियन एंड टोफू डालना था ताकि मिक्स करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती और इवनली कोटिंग हो जाती। पर कोई बात नहीं फ्रेंड्स, इस चीज़ को, इस टिप को आप याद रखिएगा। अब मेरे पास कुछ सिक्स स्टिक्स अवेलेबल थे तो मैंने इसे असेंबल करना स्टार्ट किया। याद रहे, बेस में और टॉप पर कैप्सिकम लगाना है, क्योंकि टोफू या पनीर गर्म होने पर सॉफ्ट होता है और वो टूटने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। मैंने एक बैच को ऑलरेडी रेडी कर रखा था। मेरी मम्मा अनियन नहीं लेती है तो मैंने एक टमाटो के सीड्स अलग करके उसके कुछ पीसेस कर रखे थे। फिर उसे मैंने पहले असेंबल कर दिया। अब इसे ऑलमोस्ट हाफ एन आवर के लिए ऐसा ही छोड़ दीजिए ताकि अच्छे से मैरिनेट हो जाए। अब गैस को ऑन करना है और रोटी सेकने वाला जो स्टैंड होता है उसे तो थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस करिए और उस पर सीख रख लीजिए। दो से ज़्यादा सीख मत रखें क्योंकि गैस का हमारा जो बर्नर होता है वो छोटा होता है। अच्छे से चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाकर स्लो टू मीडियम फ्लेम पर सेक लीजिए। बीच बीच में कुछ सेकेंड्स के लिए फ्लेम हाई कर दीजिए और उससे स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा। हार्डली 5 to 7 मिनट्स में ये रेडी हो जाएगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और बीच में ये जो जलने जैसा जो दिख रहा है वो हमारा बेसन स्टिक हो जाता है स्टैंड पर, तो उसके कारण दिख रहा है। आप उसे घबराइए नहीं, उससे और अच्छा ही टेस्ट एनहेंस हो जाएगा हमारे टिक्का का। मेरे पास एक बटर स्टैंड पे है, आप वीडियो में देख सकते हैं, मैंने विदाउट ऑनियन वाले सीक उस पर बनाए हैं। इंटरेस्ट में उसकी सीक बहुत ज़्यादा अच्छे बने हैं, ना तो वो छिपे, ना ही कोई प्रॉब्लम नहीं है।